अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग है ईसा की शॉपिंग के बारे में, जो उसकी बाबा करके आए थे, जो उसकी मंथली शॉपिंग है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ ईसा की जो मंथली छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो हम कैसे उसकी चेंज करते हैं। अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये ईसा के बाबा लेके आए थे ईसा की कुछ शॉपिंग, जो उसकी मंथली शॉपिंग होती है, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप मंथली चेंज करते रहते हैं। साथ साथ ही मैं आपको बताती जाऊँगी किस तरीके से चेंज करते हैं। ये उसकी है डमीज़। ये डमीज़ हम तकरीबन 2 से 3 दिन उसे देते हैं एक डमी, और दोबारा उसे फिर चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि स्टीराइज करने के बाद इसका जो निप्पल का कलर है वो चेंज हो जाता है। सभी जितनी भी ये होती हैं, चूसनियाँ भी कहते हैं इन्हें वैसे, डमी जो है इनका कलर चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये बॉक्स बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके जो है निप्पल्स हैं फीडरों के, वो हम तकरीबन 10 दिन बाद, 10 डेज़ बाद या 5 डेज़ बाद चेंज कर देते हैं। हमें जब भी कलर चेंज होता लगता है तो आगे मैं शील्ड के जो छोटे वाले उसके फीडर हैं, मैं किस दिन उसकी फीडरों की कलेक्शन भी आप लोगों को दिखाऊंगी। छोटे वाले जो फीडर हैं ना, उनके हम शील्ड के मैं यूज़ करती थी, लेकिन जो बड़े वाले फीडर अभी उसकी कलेक्शन में आए हैं ना, उनमें ये वाले यूज़ होते हैं, तो दिस वन। और उसके बाद उसके बाबा उसकी कुछ जो मंथली हमारे उसकी फीडरों की कलेक्शन चेंज होती है, जैसे पिछले महीने के जो फीडर थे ना, जो लास्ट ऑफ द मंथ लिए थे वो रहेंगे कलेक्शन में, और जो शुरू में लिए थे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 4 लेते होते हैं, 4 निकाल देते होते हैं पिछले वाले में से, और न्यू वाले 4 जो है वो अगले महीने हम लोग रख लेते होते हैं। दिस वन उसके बाबा को जो अच्छा लगा वो ले आए। मैं ज़रा बॉयज़ वाले कलर भी साथ ही मैच करती होती हूँ, उन्होंने 2 बॉयज़ वाले लिए और 2 पिंक लिए। और दिस वन ये उसकी चीज़ें हैं। ये एक है रियो का, इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत है, प्लास्टिक भी अच्छा है। धुलने के बाद और स्टीराइज होने के बाद पता लगता है असल में कि फीडर की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी यूज़ नहीं हुआ होता। इस तरह की इसकी कुछ शेप है कोई, तो अब यूज़ करेंगे, स्टीराइज होगा क्योंकि निप्पल स्टीराइज नहीं होता, और गर्म पानी में डिप कर लेना चाहिए, लेकिन इसे आपको रोज़ स्टीराइज करना चाहिए 5 मिनट के लिए, तो लाजमी डिप ना भी करें तो ना जो होती है उससे इसको स्टीम ज़रूर दे लें, ताकि इसके जो जरासीम है ना वो ख़त्म हो जाए फीडर। सॉरी बेयर विद मी, कैमरा थोड़ा सा स्टैंड से इधर उधर हो गया, क्योंकि चलो मैं इसे थोड़ा सा आप लोगों को खोल के भी दिखा देती हूँ क्वालिटी कैसी है। मैं शील्ड के लेके आई थी शील्ड का एक फीडर यूज़ करने के लिए यहीं से ग्रॉसरी स्टोर से, तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसके बाबा ने कहा कि मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो ये वाले फीडर लेके आए। इनका स्टाइल कुछ इस तरीके से है। प्राइस भी मेरे पास, एक मिनट बिल होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ प्राइस भी। रियो वाला जो फीडर है ना, ये वाला फीडर है, ये ना 450 का है। ठीक है, और ये वाला जो मैंने भी आपको दिखाया था ये 500 का है, और पता नहीं इस पर कोई लिखा ही नहीं हुआ समझ। जो निप्पल है ना वो 100 रुपीज़ का है, वन पैकिंग है ना वो 100 रुपीज़ की है, और वो जो है बॉक्स है वो 400 रुपीज़ का है। और ये वाले दो यहाँ पे प्राइस मेंशन है, एक 400 का है और एक 500 का। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ऐसे है, और ये भी हम खोल के देख लेते हैं। आज का मैंने कहा चलो व्लॉग ही छोटा सा हमारा मिनी सा व्लॉग हो जाएगा, और साथ में आपको इसका थोड़ा सा ये देखें। ईसा को इस पर पीना नहीं आता अभी, जो मैंने पिछली दफ़ा ना लेके आई हूँ 2 फीडर इसके मैंने चेंज किए पिछले मंथ, वो ईसा को उसमें मज़ा नहीं आता ना उसके छोटे। पहले फीडरों की कलेक्शन आपको दिखाऊंगी, ये देखें जी, ये कुछ इस तरीके से। अगर ये आप लोगों को इसका मिनी हॉल पसंद आया तो फिर मैं ज़रूर इसका जो वीकली हम इसकी चीज़ें लेते हैं या इसकी जो हम मंथली चीज़ें लेते हैं उसका मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। आपने मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ईसा का ये पेज है, यानी ईसा का ये चैनल है, तो ईसा से रिलेटेड हम हर चीज़ यहाँ शेयर करेंगे, जैसे आपको पसंद आएगी। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं ईसा की जो मंथली चीज़ों में, और इंस्टाग्राम पर भी इसे फॉलो कर लीजिए, मोहम्मद ईसा 1189, मोहम्मद ईसा 1189। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।